कोरोना महामारी के दौर में गरीबों को समाज सेवी संगठनों द्वारा पहुंचाया गया राहत कोष, क्या ऐसे में प्रशासन ने किया समाज सेवियों का सहयोग, इसी को जानने के लिए आज मछली शहर विधानसभा के 62 विकास खंड के अंतर्गत समाज सेवा एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष अशरफ अली सद्दाम से वार्ता किया गया, जहां उनसे यह जाना गया कि क्या आप लोगों ने राहत कोष कोरोना महामारी में जो गरीबों तक पहुंचाने का कार्य किया है, यह पुनित कार्य का श्रेय वह किसे देंगे, क्या उनका सहयोग किसी ने किया। दौर में जिस समाज संगठनों ने समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हैं, आज हम उनसे यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या शासन प्रशासन द्वारा उनका सहयोग किया गया कि कोरोना की महामारी में जिन गरीबों को खाने के लिए लाले पड़ रहे थे, उनके घर तक आने जाने का कोई राहगीर या रास्ता नहीं तैयार हो रहा था कि जा करके कोई उनका मदद कर सके। उस वक्त इस कठिनाइयों के समय में समाज सेवी हमारे साथ आज सद्दाम हुसैन जी हैं, जिनसे हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह अभी इतने ही उम्र में समाज के लिए क्या उनके मन में ऐसा उत्सुकता जगा कि वह समाज का सेवा करने के भाव को मन में ले करके लोगों की सहायता किए। तो सबसे पहले सद्दाम जी, आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों। मेरा नाम अशरफ अली सद्दाम है, मैं एक छोटा सा समाज सेवा एजुकेशन चैरिटी में ट्रस्ट चलाता हूँ। मैं जिस तरीके से देख रहा था, लोग बस कुर्ता पहन कर नेतागिरी में लगे थे और लोग खाने के लिए मर रहे थे, और किसी भी प्रकार से गरीब लाचार मजबूर के पास कोई साधन या कोई खाने का व्यवस्था नहीं पहुँच पा रहा था। तो हम लोग घर घर जाके हमारे साथी हमारे संगठन में जो पदाधिकारी सदस्य मेंबर हैं, सब लोग मिल के लोगों तक जरूरत जो जरूरत की चीज़ें थी वहाँ हम लोग पहुँचाए, वो चाहे पैसा हो, चाहे राशन हो, या फिर किसी भी प्रकार का दवा हो, तो हर तरीके से हम लोग लोगों की मदद की है जी। तो क्या इस दौर में आप लोगों का प्रशासन द्वारा कोई मदद किया गया कि या आप अपने ही जितनी क्षमता अनुसार कार्य किए हैं वो अपने ही जेब से आपने लोगों का समाज में जो भी आपने दिया है राशन या गरीबों के लिए जो भी सहयोग किया आप अपने जेब से ही स्वयं किए हैं, किसी का सहयोग आपको नहीं मिला, उसके लिए क्या जी? हाँ, मुझे किसी से मदद लेने की कोई जरूरत नहीं थी, ना शासन से ना प्रशासन से। जो भी मुझसे हो सका, जो मेरी कैपेसिटी थी, जितना मुझसे हो सका मैं लोगों की मदद किया और आगे भी करते रहूँगा। तो आप हमें ये बताएं कि जो तीसरी लहर आने की संभावना है कोरोना को लेकर, उसके लिए आपकी समाज सेवा एजुकेशन की क्या तैयारियां चल रही हैं? उसके लिए भी हम लोग तैयारियां बना चुके हैं, पूरे दम थम बांध चुके हैं। जिस तरीके से तीसरी लहर आने आ रहा है, उसी तरीके से हम लोग भी अपनी तैयारियां कर चुके हैं कि लोगों को कैसे साथ देना है, कैसा सपोर्ट करना है, किस तरीके से कहाँ क्या पहुँचाना है, जिससे जो हो सकेगा मदद वो हम लोग करेंगे। तो आपका ये कहने का तात्पर्य रहा कि आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोरोना महामारी में लोगों की मदद किए हैं, और तीसरी लहर के आने की संभावित स्थिति को देखते हुए आप पूरी तरह तैयार हैं अपने संगठन के साथ। जी, जी। तो आपने देखा कि हमारे साथ अशरफ अली सद्दाम जी थे। मैं मछली शहर विधानसभा से निशांत सिंह, पत्रकार पब्लिक वेब के लिए, धन्यवाद।